अनन्या चेतन, ईशान्या, मयंक, वॉइस आ रही है बेटा? मिस्टर यस प्रतीक, सर। ओके बेटा। बेटा एक टाइप हमारे बीच में नई टाइप है, और ये टाइप अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है बेटा। एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सर 7। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। ये आंसर दिया आपका ईशान्या ने, दिया बेटा आंसर। ओके सर। बेटा, एनी अदर स्टूडेंट और किसी बच्चे का आंसर आया भाई? यस सर 7 आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, फाइंड एक्स 4 प्लस 1/x4। सर 15। सर एक्स 4 प्लस 1/x4 14। 14 इज रॉन्ग आंसर। अनन्या बेटा आप आंसर बता रहे 194। हैं। ओके बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, नाइस। अभी सभी स्टूडेंट इसी स्पीड से आंसर देंगे, और इससे भी जल्दी स्पीड से अभी सभी स्टूडेंट आंसर देना स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी शान्या ढल ने आंसर So दिया। can you explain the method which they are using to find the answers so quickly? बेटा अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, अभी मैं बताना स्टार्ट करूं बेटा, ने ठीक है ना? अभी आप ध्यान से सुनो। ओके सर। मैंने बोला कि अभी मैं जैसे ही आपको बताऊंगा तो आप सभी स्टूडेंट की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। देखो बेटा, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, इफ यू हैव टू फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। स्कूल का मेथड आपका कहता है बेटा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 ab, देन द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9। और जब ये 9 आपका दूसरी तरफ माइनस होके जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 7, राइट? फिर बेटा आपने कैसे करना है आप ध्यान देंगे बेटा। अगर आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन में देता हूँ, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, एंड इफ यू हैव टू फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपने बस 3 का स्क्वायर करना है और -2 कर देना। द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, एंड 9 माइनस 2, देन आंसर इज 7। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब तो सभी स्टूडेंट स्पीड से आंसर दे सकते हैं, जल्दी आंसर बताओ सर बेटा। 23। सर ट्वेंटी थ्री 23 हाँ, सर। अभिषेक ने, प्रतीक ने आंसर दिया, चेतन बेटा आपने आंसर नहीं दिया, मोहित, प्रतीक, रेने, मयंक, आंसर दो बेटा, साथ साथ आंसर दो। द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, 5 का स्क्वायर करना है 2 माइनस करना, बस 25 माइनस 2, द आंसर इज 23। चलो, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जल्दी बताएंगे सर बेटा। 47। फोर्टी फोर्टी सेवन सेवन फोर्टी बहुत बढ़िया बेटा, सेवन 47। अभी सभी स्टूडेंट ने आंसर दिया, शायद द स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, एंड 49 माइनस 2 इज 47। तो बेटा ऐसे ही तो आपने एग्जाम में सॉल्व करना है ना। मैंने कहा था ना, अभी सभी स्टूडेंट्स की स्पीड ऐसी हो जाएगी, और बिल्कुल होगी बेटा, सभी स्टूडेंट टॉप करेंगे और अच्छी रैंक भी आएगी अच्छे मार्क्स के साथ। एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 11,
फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बेटा। सर 119 119 यस सर द स्क्वायर ऑफ 11 इज 1 to 1 एंड व्हेन यू सबट्रैक्ट इट टू देन आंसर इज 119। ये प्रैक्टिस आपकी इसलिए होती है ताकि आपकी स्पीड बहुत ही तेज हो जाए। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 15। फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² सर 2 to 3 सर 1 2 3 अच्छा सर 2 2 3 2 to 3 बेटा ओके। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन 4 वाला देता हूँ बेटा, उसको आप एक बार करके देखना ठीक है, आपके सामने करना है। सर 47 47 बहुत बढ़िया बेटा, सही आंसर है सबका। वेरी गुड। ठीक है ना, हाँ वेरी गुड बेटा। ये आंसर तो सबने बेटा बहुत अच्छे से दिया आपने, और बहुत अच्छा लगा बेटा मेरे को। क्या आंसर बताया अभी सारे स्टूडेंट्स ने इसका? 47 अरे बाप बेटा, वो बहुत ही बढ़िया बेटा। आपको पता है कि फर्स्ट टाइम जब आप 3 का स्क्वायर करके -2 करेंगे तो आएगा 7। अब स्क्वायर से जब आप 4 में जाएंगे तो बेटा वही स्टेप आपको दोबारा फॉलो करना पड़ेगा। 7 7 जब 49 एंड 49 -2 का आंसर इज 47। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। दोबारा से मैं बताता हूँ, अगर एक्स एक्स स्क्वायर में आप आए तो आपने किया 3 स्क्वायर -2, 3 स्क्वायर इज 9 -2 इज 7। और स्क्वायर से जब आप 4 में आएंगे तो सेम स्टेप आप अप्लाई करेंगे, 7 स्क्वायर -2 मीन्स 49 -2, द आंसर इज 47। बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी ओके। एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू, ये मैंने लिया आपके लिए 5। फाइंड एक्स 4 प्लस 1/x² फाइव टू सेवन अरे फाइव वाह, टू सेवन फाइव सर टू सेवन बहुत बढ़िया मयंक। 527 वेरी गुड बेटा, ईशान्या मयंक 527 बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। पहले आप आए स्क्वायर पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तक तो सबको समझ आ गया भाई कि 5 का स्क्वायर 25 एंड 25 -2 इज 23। मेरे ख्याल से यहां तक तो सबका आंसर आ जाता है। पर जब आपको 4 पे आ रहा है ना भाई, तो यही तो स्टेप आपको दोबारा अप्लाई करना है। बस इसका स्क्वायर करो और 2 माइनस करो, और हमें क्या करना है, 23 का स्क्वायर 529, और 2 माइनस करेंगे तो 527 आ गया आंसर, सिंपल। फाइन, चलो भाई एक क्वेश्चन और आपके लिए मैंने आपको दिया बच्चे। एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। फाइंड एक्स 4 प्लस 1/x³। सर टू ठीक यस है, बहुत बढ़िया सर टू वेरी गुड बेटा, टू ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन भी आए एग्जाम में, ऐसे भी कई बार। अब आपको पता है x² + 1/x की स्क्वायर आप करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2। फिर 4 में जाएंगे तो भी तो यही होगा ना, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 - 2 2, तो 2 का 2 ही रहेगा। बिल्कुल सही आंसर बता बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलो बेटा अब कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, और मैं चाहूंगा आप उन्हें खुद से सॉल्व करके देखो बेटा। चलो कुछ क्वेश्चन
बेटा मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उसको आप सॉल्व करने की थोड़ी सी तो कोशिश करेंगे। एक आपको मैंने दो टाइप सिखाई हैं और एक टाइप मैं अब आपके लिए दे रहा हूँ, आप उसको करने की कोशिश करेंगे बेटा, नहीं तो फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। सर आंसर वन है। सर वन सर वन आएगा बेटा, जिन्होंने कर लिया उसके लिए क्वेश्चन हो रहा है और जिसने नहीं किया वो उस क्वेश्चन को करेंगे। सर 5.2 बेटा ये क्वेश्चन नंबर टू आप लोगों ने सॉल्व किया, ट्राई किया बेटा, नहीं किया तो ट्राई करो बेटा, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। और जिससे नहीं हुआ वो फर्स्ट भी करेंगे बेटा। और एक क्वेश्चन और आपके लिए, तीन क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, देखता हूँ कि आपका लेवल है, नहीं तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूँ। तो सेकंड वाला बता दो। बेटा मैं तो बता ही दूंगा, एक से लेके है ना। 24.913 अच्छा आंसर आ रहा पॉइंट है सेकंड पॉइंट, का। चलो देखते हैं। एक से लेके 100 तक सबको मल्टीप्लाई किया और लास्ट में बताया कितनी जीरोस आएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस।
एक से लेके 100 तक सारी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में पूछना है कितने जीरोस आएंगे। कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक मिनट मैडम, आप ये फोटो देखो, इसे स्कूल की तरफ से।
पर ये सवाल देखो बेटा, तू भी सीख बेटा, मेरी वॉइस आ रही है, फर्स्ट का आंसर बताएंगे क्या आंसर है बेटा फर्स्ट का आपका। सभी स्टूडेंट बोलेंगे बेटा मोहित, रेने, तुषार, कार्तिक। सर वन। हाँ वन, चलो बेटा मैं सोल्व करता हूँ तुम्हें। बेटा जो बोर्ड मास होता है क्या होता है? बोर्ड मास क्या कहता है बेटा? बोर्ड मास आपको कहता है क्या हुआ? अच्छा बेटा बोर्ड मास आपको कहता है पहले ऑफ होगा देन डिवाइड होगा, ठीक है? पहले क्या होगा? ऑफ, फिर क्या होगा? डिवाइड। तो बेटा ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, पर हम पहले ऑफ करेंगे उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। तो ऑफ का मतलब 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। अब बेटा फर्स्ट वाले का तो आ गया मेरा 25 अपॉन में 36। बेटा अगर कभी भी डिवाइड है तो डिवाइड का हम बना देते हैं मल्टीप्लाई, क्या बना देते हैं? डिवाइड का। और बेटा जो सेकंड वाली डिजिट है ना रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है, तो 5 by 6 का उल्टा हो जाएगा 6 by 5। अब 5 से 5 गया और 6 6 जा 36, तो ऊपर वाले पूरे का आंसर आ गया 5 by 6। बेटा यही आप सभी स्टूडेंट्स का, ऊपर वाले का, न्यूमरेटर का यही आंसर था बेटा, या और कुछ अलग था? फाइन, बहुत बढ़िया। हाँ अब बेटा नीचे वाला को बोलते हैं डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर में भी हर में जब हम करेंगे अंश और हर जो होता है, इसमें भी हम पहले ऑफ करेंगे। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। और ये 5 by, ये तो हो गया बेटा आपको 25 by 36। पर जैसे ही मैं डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाऊंगा दूसरे वाला मेरा उल्टा हो जाएगा, तो ये 36 ऊपर चला जाएगा 25 नीचे आ जाएगा, देन 6 6 जा 5 5 जा, तो ये हो गया बेटा आपका 6 by 5। अब ऊपर वाला था 5 by 6, नीचे वाला है 6 by 5। अब बेटा फिर जब मैं ये हटाऊंगा ना, ये भी एक तरीके से डिवाइड ही होता है, तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई बनाऊंगा फिर मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे इसको 5 by 6 into 6 by 5 का उल्टा 5 by 6। वन आंसर कहाँ से आ गया भाई तुम लोगों का? हाँ भाई सर, जब यहाँ से आप सर वही आंसर नीचे भी तो आएगा ना, 5 by 6 ही। हाँ जी, हाँ जी, मेरा कल से बोलिए मैंने। प्लीज एक सेकंड बेटा, आप सभी स्टूडेंट का आंसर गलत है, इसका आंसर होगा 25 by 36। सबको क्लियर हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ तो नोट डाउन करो बेटा इसको, और अगर अभी क्लियर नहीं हुआ मैं दोबारा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बेटा मेरी वॉइस आ रही है सब तक, जल्दी बोलेंगे बेटा। चेतन, रेने, तुषार, मोहित, अग्रवाल, प्रतीक, यस सर, ईशान्या, ढल, रिपीट रिपीट करना सर। रिपीट तो मैं 10 बार करूंगा, एक बार अपने आप भी करके देखो, एक बार मैं बता चुका हूँ ना 25 by 36 आंसर है, एक बार अपने आप ट्राई करो बेटा, ठीक है? तब भी नहीं आएगा मैं सोल्व करूंगा, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ इसको। ओके मैं साइलेंट कर रहा हूँ एक बार, और सभी स्टूडेंट ट्राई करेंगे। आंसर है 25 by 36, करो बेटा ट्राई। सर वन आंसर आ रहा है अभी भी।
सर वन ही आ रहा है। बेटा आंसर आ गया सबका 25/36। नहीं सर, वो नहीं आ रहा है। सर वन ही आ रहा है। अच्छा चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं भाई मैं अब इसको दोबारा को। चलो मैं इसमें क्या बना दूँ, लो भाई दोबारा सॉल्व करते हैं भाई, इस बार आराम से सॉल्व करते हैं, कोई जल्दी की। देखो बेटा, देखो बेटा, सर मेरा 25/36 आ अरे गया। जो जिसका बना रहे देखो ना भाई, पहला स्टेप मैंने किया 25/36, देन डिवाइडेड 5/6। न्यूमिरेटर मैं सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पहले ये बताओ, पहले मैंने उफ किया है, 5 5 जो 25 6 जो 36, यहाँ पे कोई दिक्कत? जल्दी बोलो नो बेटा। सर, फाइन, नो सर। अब न्यूमिरेटर में ही मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड का बनाया मल्टीप्लाई, और 5/6 का रेसिप्रोकल किया 6/5, यहां तक कोई दिक्कत? 5 5 जा नो सर, 25, 6 6 जा 36, न्यूमरेटर मेरा आ गया 5/6। न्यूमरेटर की मैं बात करूं, न्यूमरेटर 5/6, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई मेरे को। हाँ भाई, एनी स्टूडेंट? ओके फाइन, नहीं है। चलो अब डेनोमिनेटर में जब मैं ऑफ करता हूँ तो डेनोमिनेटर में लिखता हूँ मैं यहाँ पे भाई 5/6 डिवाइडेड में 25/36, क्योंकि ऑफ किया 5 5 जा 6 6 जा, यहां तक कोई दिक्कत बची किसी को? नहीं है यहां तक की। अब डिवाइड का मैंने बनाया मल्टीप्लाई, और इसका मैंने रेसिप्रोकल किया 36/25, 5 5 जा एंड 6 6 जा, तो अब मैंने लिखा 5/6 अपॉन में 6/5। मैं आपको एक चीज और बताऊं, जब इस डिवाइड को आप हटाते हो ना तो ये आपका फिर रेसिप्रोकल हो जाता है भाई, ये आपका हो जाएगा 5/6, 6/5 को। लेकिन सर इसके अंदर 5/6 डिवाइडेड बाय 25/36 था, तो 6/5 मल्टीप्लाई बाय 25/36 नहीं हो जाएगा उसका मतलब? यस सर। और फिर वो हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो बेटा, बोलो बताओ क्या कह रहे हो, बोलो बेटा। सर इसके शाम के बाद, स्कूल के बाद, स्कूल के साथ 3 बजे आ जाओ। सर, हाँ बेटा बोलो, आप क्या कह रहे हो, बोलो बेटा। बेटा कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, बोलो, कोई पेरेंट्स बैठे हो तो मैं ठीक से आपके जवाब नहीं दे पाया, बोलो बेटा आप क्या कह रहे हो, बोलो यस सर सर बोलो। 5/6 डिवाइडेड बाय 25/36 बेटा था, 25/36 से क्यों करेंगे हम 5/6 को डिवाइड, ये भी तो है, ये भी तो है बेटा, ये भी तो देख रहे हो आप, 5/6 डिवाइडेड में 25/36, ठीक है चलो। तो डिवाइड का मल्टीप्लाई बना के हम इसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे क्या 25/36 को, जो न्यूमरेटर में है, जो ये डेनोमिनेटर हाँ में सर, है? पर सॉल्व होने के बाद सिक्स वापस ऊपर जाएगा तो दोबारा रेसिप्रोकल होगा ना। हाँ सर, तो फिर सॉल्व होने के बाद फिर ये दोबारा ऊपर गया, फिर मैं फिर से एक एक स्टेप सोल्व कर रहा हूँ। अब मैंने पहले भी बोला था जहां दिक्कत आएगी ना वहां बोलेंगे, बाद में आप नहीं बोलेंगे कुछ भी। ये स्टेप आया, ये क्वेश्चन में है, ये बताओ पहले, इस वाले से इस स्टेप में आप आ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को, एक एक स्टेप बोलो बेटा, बार बार मत वो करो, ये स्टेप में। और कौन बच्चा, नाम बताओ पहले अपना। हाँ बेटा, किसको कंफ्यूजन है जल्दी बताओ, तुरंत कंफ्यूजन क्लियर होगी, कुछ भी नहीं। अनन्या अनन्या अनन्या, चलो मैं अनन्या से बात करता हूँ। अनन्या, इस स्टेप से आप इस स्टेप में आए, 5 5 जो 25 6 जो 36, इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम आपको, जल्दी बताओ अनन्या। नो सर। फाइन, अब मैं डिवाइड का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख सकता हूँ और इसको रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको? नो सर। फाइन, देन 6 6 जा एंड 5 5 जा, तो इसको मैंने लिखा 6/5, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको? नो सर। अब ऊपर वाले को सोल्व किया तो है 5/6, नीचे वाले को सोल्व किया तो है 6/5, इसको मैंने ऐसे लिखा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको?
नहीं सर। फाइन। अब जब ये अपॉन है ना, ये भी डिवाइड होता है, जब ये हटके मल्टीप्लाई बनेगा तो ये फिर रेसिप्रोकल होगा, ये होगा 5/6। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको? नो देन द सर। आंसर इज 25/36। अब क्लियर हुआ है नहीं बेटा, जल्दी बोलो। सर पर एक सेकंड, ये जो आपका ऊपर वाले पे था 25/36 डिवाइडेड बाय 5/6, ये भी तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा ना, डायरेक्टली थोड़ी होगा ऊपर वाला कौन सा ऊपर वाला ये कह रहे हो क्या? सर ये। हाँ सर ये। अरे गुरु ये कर तो दिया, 5/6 का उल्टा बना तो दिया 6/5 पे, और कितनी बार बनाए इसको भाई, ये डिवाइड का बनाया तो मल्टीप्लाई, अभी अभी तो बोला है, एक एक स्टेप में बोलो भाई तुम। सर ठीक है। अब भी नहीं क्लियर हुआ तो अब भी बता दे भाई, क्या नाम है तुम्हारा, नाम बताओ पहले अपना। सर प्रतीक। हाँ भाई प्रतीक, ये डिवाइड का ये बनाया तो है भाई मल्टीप्लाई, ये दिखा नहीं क्या डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाया? हाँ सर ठीक ओके फाइन, चलो भाई। अच्छा ये मीटिंग खत्म भी होने वाली है, इसको दोबारा भी ज्वाइन कर लेना भाई, ये नहीं कभी दोबारा ज्वाइन ही ना करो, मीटिंग खत्म हो जाती है बार बार ज्वाइन किया करो, जितनी बार भी खत्म होती है, जब तक मैं बाय ना बोलूँ बार बार ज्वाइन करते रहो। चलो भाई मैंने एक टाइप और यहाँ पर आपको दे दी, उसको देखो अब। अच्छा अपोन है ये, ऐसे था भाई, अपोन में था। अच्छा वो अपोन में ही आपको लिख के दिया था, अभी मैंने बैक किया ना, कंट्रोल जेड किया तो उससे ये हट गया होगा। चलो भाई बताओ इसको कैसे करोगे आप बताओ। नहीं पता, मैं बताता हूँ, ये बताओ ये 0.027 किसका क्यूब होता है, ये 0.3 का क्यूब होता है, 0.027 जब 0.3 का क्यूब, आप इसको लिख सकते हैं, मतलब 4.3 क्यूब प्लस 0.3 क्यूब, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इतना बता दो बस आप मेरे को भाई। जब आप पॉइंट थ्री को, यस पॉइंट थ्री की क्यूब है, जब आप 0.3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 0.07 आ जाएगा आपका, करके देख लो ना, 0.3 × 0.3 × 0.3 सर। आ जाएगा, फाइन। और मैंने आपको बताया था कि अगर तीन तीन अगर मेरी डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों तरफ अगर तीन तीन बार लिखा हुआ है, तो आपको मैंने एक बहुत अच्छा शॉर्टकट बताया था, पूरे क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको बताया था, क्या होगा 4.3 में 0.3 प्लस करो तो बस आपने कुछ नहीं करना और पूरे का आंसर आएगा 5.2, पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 5/5.2 आएगा, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, याद आई या नहीं आई जल्दी बताओ बच्चे, ध्यान यस आया? सर।